इस फूलों की दुकान को यहाँ से बाहर निकाल, कम ऑन आउट, कम ऑन गेट आउट, और सोफा के पीछे देखो प्लीज। ये वाली थैली को जुकाम हो गया। उठो उठो, थैला और मजनू दोनों बाहर, उठो चलो बाहर। मानसिंह जी, ये सब लड़कियां यहाँ क्या कर रही है? हमारे होटल में एक रॉकस्टार रहने आ रहा है। कौन है ये रॉकस्टार? वो उसका नाम है जफर अली। वो कौन है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सारी लड़कियां जफर के पीछे इतनी पागल है। पागल नहीं, बेवकूफ है। उन्हें लगता है कि जफर उनका है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जफर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। Excuse me, manager's office कहाँ है? वहाँ पर। Thanks. रानी, वो जफर था ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो, ये मेरा नया इन्वेंशन है। इसका नाम मैंने रखा है हवाई टोस्टर। अब ऐसा सोचो कि तुम ना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हो, हाथ पे हाथ धरे, ठीक है? कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ एक बटन दबाया और टोस्ट अपने आप आ गया। हे डिजिटल, मैं एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए मेरे पास टूल्स नहीं है, मैं तुम्हारे यूज करूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा बोलो। ये देखो, मैं एक लेजर गन बना रहा हूँ। वाह कबीर, इसे देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। मैंने भी एक इंटर स्कूल साइंस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और मैंने ना एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्केनो बनाने की कोशिश की थी दोस्त। फिर क्या तुम जीते? अरे जीता क्या बताऊं तुम्हें, इन इंटर स्कूल साइंस कॉम्पिटिशन के जजेस के बारे में एक छोटा सा बम फटने पे गुस्सा हो जाते हैं और फिर तुम्हें बैन कर देते हैं जिंदगी भर के लिए। मुझे यकीन है तुम मुझसे बेहतर करके ही दिखाओगे। मुझे भी यकीन है, मुझे ये अवार्ड जीतना ही है। फिर मैं IIT जाऊंगा, इंडिया के लिए ऑसम रोबोट्स बनाऊंगा, गवर्नमेंट मुझे इतने सारे पैसे देगी, फिर मैं उन पैसों से माँ का ख्याल रखूंगा, चैन की जिंदगी जीऊंगा और मेरे भाई को जेल से छुड़वाऊंगा। करण जेल में? अब तक तो नहीं। I see. रानी, मुझे मेरे कॉलेज अखबार के लिए जफर की एक फोटो चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो, वो एक सेलिब्रिटी है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, और सिर्फ एक सेलिब्रिटी ही दूसरे सेलिब्रिटी का दर्द समझ सकता है। तुम अंदर जाके तो देखो, तुम्हें दर्द का असली मतलब समझ में आ जाएगा। मेरे डैड तक पहुंचेगी। पहुंच गई है। तुम्हारे पापा ने हमें फैक्सेस भेजे हैं जिसमें लिखा है तुम्हें हर सेलिब्रिटी से दूर रखा जाए, क्योंकि वो शाहिद कपूर वाला किस्सा दोहराना नहीं चाहते। डैड से कहना कि इस बार बात अलग है। बात अलग है? यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि इस बार बात बिल्कुल अलग नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी तुम इस सेलिब्रिटी का पागलों की तरह पीछा करोगे। अगर मैं इस बार जफर से नहीं मिली तो मैं छाती फाड़ फाड़ के जोर जोर से चीखूंगी, या फिर मैं तब तक अपनी सांस रोक लूंगी जब तक मेरा चेहरा नीला नहीं पड़ जाता। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा चुनना चाहोगी? मानसी, तुम्हें मेरे डैड की हर बात मानना जरूरी है क्या? हाँ, जब तक कि वो खुद ना नहीं कहते तब तक। मुझे अंदर घुसना है विनी, मुझे मेरे होने वाले पति से मिलना है। ठीक है, लेकिन हम बेवकूफ तो नहीं लगेंगे ना? नहीं, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ लग रही हूँ। आज का मेन्यू काफी लजेदार लग रहा है ना? रानी रिलैक्स, वो हमारी तरह एक आम लड़का है। वो ये। जिसकी आवाज एक हवा के झुके की तरह मेरी आत्मा को शांति पहुंचाती है। रिलैक्स नहीं, सफर सिर्फ मेरा है। एक्सक्यूज मी, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, शायद वो मेरे प्यार को कबूल करना चाहता है। वो प्यार नहीं, इस पानी के जग को कबूल करना चाहता है। उसे लगता है कि हम वेटर्स हैं, पर उसे ऐसा क्यों लगता है? राइट। Thanks, उसने मुझे टूट कहा।
देखूं मैं जब तुझको, दिखे मुझे सारा जहां, तुझ देख के हो जान जहां, ना मैं ना ये दिल मेरा रहा, yeah. तेरी आंखों में मैं डूब जाऊं, मिलके तुझको मैं दुनिया भूल जाऊं, पर को तुझको बिठा के उड़ जाऊं, पर पर मैं तुझको जन्नत दिखाऊं, देखूं मैं जब तुझको, देख मुझे सारा जहां, तुझ देख के ओ जान जहां, ना मैं ना ये दिल मेरा रहा, ये ooh yeah yeah ooh yeah I mean good one dude kind of taste good now सब ठीक चल रहा है ना सर अब कोई चीखती हुई लड़कियां तो नहीं आई थी नहीं लेकिन दो चीखते हुए वेटर जरूर थे अगर मैं लाल वायर को हरे वायर के साथ जोड़ दूं तो क्या हुआ मैं होता तो शायद पीले वायर को हरे वायर से जोड़ लेता लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए पीला और हरा डिजिटल मुझे ये साइंस प्रोजेक्ट बिना किसी मदद के बनाना है वरना वो चीटिंग होगा आई नो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा इसके बाद तुम चाहो तो मैं अपने ऊंट बंद कर लेता हूँ अरे चाहो तो हमेशा के लिए बंद कर लेता हूँ नहीं 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 डिजिटल तुम कहते हो तो हेलो बॉय हाय डिजिटल तुम ठीक तो हो ना कभी ऊपर चलो ना प्लीज मेरी लंच ब्रेक मत खराब करो मुझे बस इसे एक बार टेस्ट करना है माँ ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया अब मैं साइंस अवार्ड कैसे जीतूंगा हाय मेरा बच्चा कोई बात नहीं अब सुनो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है ना तुम कुछ सिंपल क्यों नहीं बनाते तुम एक वोल्केनो बनाने की बात कर रहे थे ना मॉम कौन नफर एक वोल्केनो बनाकर जीतेगा मैं जीती थी यंग आइंस्टाइन अवार्ड मॉम उस जमाने की बात ही कुछ और थी तुम मेरी बात सुनो हारने या जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम बस मन लगा के कोशिश करो मन लगाने से मैं कोई नोबेल प्राइज तो नहीं जीत जाऊंगा और फिर तुम्हारे बुढ़ापे का खर्चा करण को जेल से निकालने के पैसे हाँ करण जेल में है अब तक तो नहीं कहा था ना कि सफर मेरा है फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो प्लीज ओके मैं एक पत्रकार हूँ मुझे अपने आर्टिकल के लिए रिसर्च करनी है तो फिर तुम उसकी शर्ट के साथ क्या कर रही हो प्लीज मुझे शर्ट सूंघना पसंद है मेरे पति की शर्ट वापस दो नहीं वो मेरा है नहीं वो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है अब देखो तुमने क्या किया थैंक यू लेडीज करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो
क्या तुम्हें भी सफर से प्यार हो गया है? नहीं, मैं उसकी चीजें होटल के बाहर बेच रहा हूँ। तुम्हें पता है, एक आंटी ने उसके थूके हुए च्युइंगम के लिए 1000 रुपए दिए। तुम लड़कियों के पागलपन में अच्छा बिजनेस है। करण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन किसी और के कमरे में घुसना, उसकी पर्सनल चीजों को हाथ लगाना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके पास भी येलो शॉर्ट था। हाउसकीपिंग ने सारे गंदे टॉवल्स ले लिए, अब मुझे इन्हें फिर से गंदा करना होगा। करण, तुम ये क्या कर रहे हो? अब ये टॉवल जफर ने यूज किए। भैया, 100 रुपए में कितने मिलेंगे? क्या शानी, इसने अभी अभी तुम्हारे सामने टॉवल को खराब किया था। ठीक है, 30 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी, कैसा चल रहा है? बढ़िया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम गरीब। तुम्हारे बाल बहुत खराब हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आपके रूम में इंसान तो क्या, चूहा भी नहीं आ सकता। ओह नो, मानसिंह जी आ रहे हैं। इन बेहुदा फैंस की गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आर्मी वालों से बात कर ली है, वो शाम तक आते ही होंगे। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तो आदत सी लग जाती है। अच्छा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार तो 2 लड़कियों ने मेरे शॉर्ट्स भी चुरा लिए थे। अरे रब्बा, शॉर्ट्स भी? एक्सक्यूज मी सर, मेरे बाथरूम में कोई टॉवल्स नहीं है। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। बेड पे रख दीजिए, मैं अभी ब्रश करके ही आया। जैसी आपकी मर्जी। न्यूज़पेपर में कितनी प्यारी स्टोरी छपेगी ना, रानी और सफर गिरे प्यार में ब्रश करने के दौरान। आई थिंक कल हम न्यूज़पेपर में कम और जेल में ज्यादा होंगे। चलो। तो कॉपर क्लोराइड को हीट करने के बाद पावर सोर्स को लाल वायर से अरे अरे तो मुझे इसे मेल्ट कर रहा होगा उस टॉर्च से, जिसे छोटे बच्चे नहीं, सब बड़े ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शायद मैं, यानी कि एक युवक, मतलब कि एक बुजुर्ग, तुम्हारी यानी एक बच्चे की मदद कर सकता हूँ इस टॉर्च का इस्तेमाल करने में, क्या बोलते हो? मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इस साइंस कॉम्पिटिशन में प्राइज मैं ही जीतने वाला हूँ। आपका मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ? हाँ, वही तो कहा मैंने। इसे देखकर लगता है सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे। करण, ये जफर का लकी ब्रेसलेट है। फिनी, तुम्हें मेरे मंगेतर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके आती हूँ। वैसे पता है, जफर इस ब्रेसलेट के बिना कभी शो पे नहीं जाता। हमें इसे जल्दी वापस लौट आना चाहिए, नहीं तो उसका शो कैंसिल हो जाएगा और फिर उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसे करियर की क्या जरूरत है? हम दोनों बस एक दूसरे के प्यार के सहारे जी लेंगे और पापा के पैसे, पर मोस्टली प्यार। ओके फाइन, मैं ये ब्रेसलेट उसे दूंगा और उसके बदले में उसकी पैंट्स लूंगा। करण, तुम उसे ये जाके कहोगे कि तुम्हें उसका ब्रेसलेट बेड के साइड से मिला? गुड आइडिया। बैड आइडिया। अगर मानसिंह जी को पता चला तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे और करण शायद जेल भी जा सकता है। कबीर ही अक्सर कहते रहता है, पता नहीं क्यों। डरा क्यों रहे हो तुम? बटन दब गया तो। वाओ कबीर, तुम्हारी ये लेजर गन तो बहुत फैंसी है, तुमने ये सब एक दिन में कैसे? थैंक्स। मतलब कितना गर्व महसूस हो रहा होगा ना आपको कबीर पे इस वक्त की फाइनली इतने साल बाद उसके अंदर की छिपी कला को दुनिया पहचानेगी आज तो। पर ये तो सिर्फ 10 साल का है। और अब हमारे फाइनलिस्ट अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे, सबसे पहले द साइंस ऑफ वोल्केनोज।
मैं हूँ रूपा और ये है मेरा वॉल्केनो। इससे तो आग और राख निकलना चाहिए था। लगता है चांस है। और अब हमारा अगला पार्टिसिपेंट है राहुल मल्होत्रा। मेरे इस आविष्कार का नाम है MEC यानी माय एनर्जी कन्वर्टर। आप एक ओर से कूड़े कचरे को अंदर डालिए और वो बन गया एनर्जी। ये लेजर पक्का चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा यार, मैंने बनाया है। मतलब तुमने जो बनाया है। और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं कबीर जायसवाल। थैंक यू। अब मैं इस लेजर से उस पत्रे पे एक स्क्वायर काटूंगा। लाइट्स ऑफ प्लीज। Ladies and gentlemen, मेरा volcano। ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है ना? हाँ, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। इसके खराटे भी कितने क्यूट है। सुनो, हमें ये ब्रेसलेट वापस डालना है, 2-3 शॉर्ट्स चुराने हैं और वापस जाना है। ये तो अटक गई है। अब सो जा रॉकस्टार, मैं करती हूँ तुझसे प्यार, तुम मेरे होगे क्योंकि मैं खरीदूंगी तुम्हारे लिए कार। रानी, तुम ये क्या कर रही हो? हमारी शादी के इनविटेशन पर ये फोटोग्राफ लगेगी। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मेरे पति को गले लगाना बंद करो। I'm sorry. लेकिन वो मुझे गले लगा रहा है। झूठी कहानियां मत बनाओ। ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। हर अब क्योंकि हम यहाँ पर है, एक फोटो ले ले। चलो रानी, फोटो खींचो। नहीं करण, एक फोटो खींचो। मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। ये क्या हो रहा है? हाय, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। सिक्योरिटी, भागो। मुझे छोड़ दो, इसे बाहर निकाल दो। गाइस, एक सेकंड, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाने आया था। लौटाने? तुम्हारा मतलब चुराने? दरअसल जब तुम बाथरूम में थे और मानसिंह जी तुम्हारे लिए टॉयल लेने गए थे, तब मैंने इसे लिया था। तुम कितनी बार आ चुके हैं रूम में? ये कई 2-3 बार। मेरे फ्रेंड्स की तरह नहीं जो तुम्हारे लॉकर में जाग रहे थे। तो क्या तुम उन गर्ल्स के साथ हैंग आउट करते हो? क्या 2-3 साल तुमसे बड़ी होंगी? 5 साल। वाह बेड़ू, इसे छोड़ दो गाइस। तो क्या लड़कियां तुम्हारे पर ऐसे ही पागल होती रहती है? हाँ यार, लेकिन कभी कभी अजीब लगता है। सच? मेरा मतलब है, मशहूर होना अच्छा है लेकिन उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत से याद है, तुम्हारे पिलोस की कीमत कितनी है? ओह सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? मुझे बस कभी कभी आम लड़कों की तरह रहने का मन करता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, वीडियो गेम्स खेलना। वीडियो गेम्स? तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? ऐसे हराऊंगा कि तुम्हारी बोली शक्ल बिगड़ जाएगी। लगी शर्त, हम ही जीतने वाले हैं। याद रखो, जो भी हो मुझे तुम पे बहुत गर्व है क्योंकि तुमने ये अकेले अपने आप बनाया ना। क्यों डिजिटल? बिल्कुल। और हमारे विनर है कबीर जायसवाल। यस यस यस।
Yes! Thank you. मैं अपने जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरे प्यारे फ्रेंड डिजिटल का, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना ऑफिस यूज करने दिया। और मैं अपनी माँ का भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मेरी हार को ही वो जीत मानती है। और मेरे झूठ को भी माफ करती है। अरे मैंने झूठ कहा था, मैंने ये खुद नहीं बनाया है, ये ट्रॉफी का हकदार मैं नहीं हूँ, ये तो डिजिटल ने मेरी हेल्प की थी। ट्रॉफी का हकदार तो डिजिटल है। यस यस थैंक यू। अरे वैज्ञानिक समाज की ओर से मुझे इतना बड़ा ऑनर मिला है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैं क्या बताऊं। अरे जी, ये अंडर 14 प्रतियोगिता है, तो आप कितने साल के हो? मैं 13 साल का हूँ। अच्छा 13.5 साल का, ओके 14.25 का रख ले। नहीं आप क्या चाहते हो, 14 में 2 दिन कम? You're disqualified. मैं झूठा नहीं हूँ। और हम हमारे नए विनर हैं राहुल मल्होत्रा। दूर तो बाप है। कोई बात नहीं जफर, कभी ना कभी तुम्हारी भी बारी आएगी। जफर, मैं सच में एक पत्रकार हूँ और मेरे आर्टिकल के लिए बस इतना ही बता दूँ कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। अगर मैं ब्लू लिखूँ तो चलेगा ना? देखो, मुझे तुम्हारे फेवरेट कलर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। एक मिनट, कहीं तुम्हारा फेवरेट कलर ब्राउन तो नहीं है?